आप सभी का स्वागत है आपके चैनल DR27 में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेडिंग कैसे लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हेडिंग किस जगह से और कैसे लेनी चाहिए, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में हमने आपके लिए 5 स्टेप रखे हुए और जिसमें कि 2 बोनस पॉइंट भी हैं। बोनस पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि आपकी पावर और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसे इम्प्रूव होगी हेडिंग के लिए, ताकि आपका जो हेडिंग है वो काफ़ी दूर तक अच्छे गोल पोस्ट या गोल मारने में आपकी मदद करेगा। फर्स्ट स्टेप था लुक एट द बॉल। तो आपको अपनी बॉल पर हमेशा फोकस बना के रखना है, अपनी नज़रों को बॉल से उझल नहीं करना है या नज़रें नहीं हटानी है। बॉल पर फोकस जितना अच्छा रहेगा उतना ही आपका अच्छा कनेक्शन होगा, वो चाहे डिफेंसिव हो या अटैकिंग हो। गोल भी आप तभी मार सकते हो जब आपका बॉल पर फोकस बना रहेगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड स्टेप की ओर, जो है प्लांट योर फीट, मतलब कि अपने पैरों को किस कैसे प्लेस करना है हेडिंग मारने के लिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। जैसा कि काफ़ी सारे प्लेयर्स को आपने देखा होगा वो टोस पे जंप लेते हैं और कुछ प्लेयर्स तो हील्स पे भी जंप लेते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपको एक अच्छी जंप बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है फ्लैट फीट। आपको फ्लैट फीट रख के जंप लेना है। फ्लैट फीट से जंप लेने पर आपको एक बेहतरीन जंप मिलता है और एक काफ़ी पावरफुल जंप भी आप ले पाते हैं। अब बारी है थर्ड स्टेप की, बेंड योर नी। तो चलते हैं सीधा स्टेप की ओर। इसमें आपको जंप लेने से पहले अपनी नी को बेंड करना है कुछ इस तरीके से। ऐसा करने से आपको एक पावरफुल जंप तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बैलेंस भी मिलता है अपनी बॉडी के साथ। तो अब बात करते हैं बोनस स्टेप की, जो कि हमारा फर्स्ट बोनस स्टेप है टाइमिंग। टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा हेडिंग का। तो चलते हैं सीधा स्टेप की ओर। टाइमिंग आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा, वरना आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है और कभी कभी ऐसा भी। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना होगा। आपके साथ ऐसा ना हो, आपको बॉल के हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट करना है और सही टाइम पे जंप लेना है। तो अब बारी हमारी फोर्थ स्टेप की, जिसमें हम आपको बताएंगे आपका बॉडी पोस्चर कैसे रहना चाहिए, आपकी बैक कैसे रहनी चाहिए, आपकी जो बैक है वो कैसे रहेगी, तो इसके बारे में बताएंगे। चलते हैं सीधा स्टेप की ओर। आपको अपनी अपर बॉडी को एक रबड़ बैंड की तरह यूज करना है। जिस तरह से एक रबड़ बैंड को जितना पीछे खींचा जाता है वो उतना ही आगे जाता है, उसी तरह से आपको अपनी अपर बॉडी को यूज करना है। इसमें आपको अपनी बॉडी को 5-10 डिग्री पीछे की तरफ बैंड करना है, जस्ट लाइक दिस। तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, जिसमें आपको अपने हेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना है, जिससे आपको अच्छा पावर मिल सके आपको हेड मारने। स्नैप हेड में आपको अपने हेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना है कुछ इस तरीके से। ऐसा करने से आपको एक एक्स्ट्रा पावर मिलती है हेडिंग लेने में। तो अब बात करते हैं हमने बोनस नंबर 2 की, जो कि है हमारा कॉन्टैक्ट। तो चलते हैं सीधा स्टेप की ओर। हेडिंग लेते समय काफ़ी सारे प्लेयर्स गलत जगह से हेड लेते हैं, जो कि काफ़ी गलत है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने फोर हेड का यूज़ करना है। अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जिनको आप डेली प्रैक्टिस करके अपनी हेडिंग को हद से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, और चाहे वो डिफेंसिंग हो या अटैकिंग हो, आप अपना हेडिंग विन रेट 100% कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ इस तरह से अपने नी के बल बैठ जाना है और अपनी हेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। सेकंड ड्रिल में आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। आपका पार्टनर आपको चाहे तो उसके, अगर आपके पास बैंड है तो आपको बैंड से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बैंड नहीं है तो वो सिंपली आपको हाथ से भी पकड़ सकता है। तो लास्ट ड्रिल में आपको अपने एक पार्टनर को सीधे स्ट्रेट खड़ा कर देना है और उसके पीछे से रन लेते हुए एक हेडिंग लेनी है। इससे आपको काफ़ी अच्छा डिफेंसिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके अपना सजेशन ज़रूर दें कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें फॉर लेटेस्ट अपडेट।